हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसिस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पर चार नंबर दिए हुए हैं और आपको उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपको इन नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब डायरेक्टली तो आप ये देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा नंबर छोटा या कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ठीक है, कैसे हम कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई, यानी इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन का ये टाइप वन है, ठीक है, और भी टाइप इसमें बनेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस तरह के टाइप को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, ये वाले क्वेश्चन में होगा क्या, जो टाइप वन के क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आपको प्लस का साइन मिलेगा बीच में, ठीक है, और प्लस के साइन के साथ अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो दोनों नंबर आपको सभी जगह एक जैसे मिलेंगे। जैसे 16 5 21 होता है, 20 और 1 भी 21 होता है, उसके बाद 13 8 21 और 17 4 21, यानी सभी नंबर्स का जो सम है वो एक जैसा है, 21 21 21 21, वो कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप इस क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, कि हमारा आंसर कैसे आएगा। तो दोस्तों, आपका आंसर भी इन्हीं नंबर पर डिपेंडेंट रहेगा, आपको इन दोनों नंबर की गुणा करनी है। तो 16 5 कितने हो जाएंगे, 80, यहाँ पर 20 की और 1 की गुणा करोगे तो आंसर मिलेगा 20, 13 और 8 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 8 104, उसके बाद 17 और 4 की गुणा करोगे तो 17 4 68, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारी जो गुणा है वो लिख ली। अब इनमें जिसकी भी गुणा ज़्यादा होगी वही नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे यहाँ पर सबसे जो बड़ी जो नंबर है वो है 104, तो ये वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा होगा, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद ये जो 80 है ये सेकेंड नंबर पर आ रहा है, तो ये सेकेंड है। उसके बाद थर्ड पर आपका आ रहा है 68, तो ये वाला नंबर थर्ड पे आ गया। और सबसे छोटा नंबर है आपका 20, तो ये वाला नंबर आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक, और आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है, तो आप इसको क्रम में आसानी से लगा पाओगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट की, कि ये चीज़ आई कहाँ से है। तो अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट की, ठीक है ना, कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो ध्यान से एक बात को समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आप इनको क्रम में लगा दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको डायरेक्टली पता है कि 2 से बड़ा नंबर होता है 3, 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा होता है 5, ठीक है ना। और इनकी अगर मैं पावर की बात करूँ तो इन सब की पावर है 1 1 1 1, ठीक है ना। तो ये मैंने इनको क्रम में लगा दिया। अब मैंने आपसे ये कहा कि इनकी ये जो पावर है, इस पावर में चाहे तो आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, चाहे भाग लगा दो, तो क्या इनके ऑर्डर पर कुछ फर्क पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो मैंने क्या किया भाई, सभी की पावर में 2 से गुणा कर दी, तो 2 की पावर भी 2 हो गई, इसी तरह से 3 की पावर 2 हो गई, 4 की पावर 2 हो गई, उसके बाद यहाँ 5 की पावर 2 हो गई, सभी की पावर क्या हो गई, दुगनी हो गई, क्योंकि मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 5 था, तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा नंबर 5 की पावर 2 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी अगर आप पावर में गुणा करते हो या भाग लगाते हो एक जैसे नंबर से, तो उससे ऑर्डर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इन सभी नंबर्स का स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करने वाले हैं। तो ये आपकी क्या टर्म आपको दे रखी है, ए प्लस बी की टर्म आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे पूरी टर्म का, यहाँ भी आपने स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर पे। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 21 प्लस 2 रूट 80, ठीक है। जब आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 21 प्लस 2 रूट 20, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, 21 प्लस 2 रूट 104, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको मिलेगा 21 प्लस 2 रूट 68, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्क्वायर खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, जितने भी नंबर्स हैं सभी में 21 प्लस 2 21 प्लस 2 21 प्लस 2 और 21 प्लस 2 कॉमन है, ठीक है।
तो आपका जो नंबर बड़ा है या छोटा है ये कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेगा ये वाला नंबर। तो ये नंबर जिसमें बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, और ये नंबर जिसमें छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर किसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर आया है, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 8 में क्या आया है, 104 आया है। तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो गया, और ये बाकी आपके उस हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। तो आपको समझ में आ गई कि शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई थी, ठीक है। तो जो भी इनका मल्टीपल होगा उस पर ही डिपेंड करेंगे ये नंबर, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि जब बीच में माइनस का साइन आ जाए तब क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप 15 और 4 जोड़ेंगे तो आपको 19 मिलेगा, 17 और 2 जोड़ेंगे आपको 19 मिलेगा, 10 और 9 जोड़ेंगे आपको 19 मिलेगा, और 13 और 6 जोड़ेंगे तब भी आपको 19 मिलेगा। लेकिन यहां पर चेंज क्या है, यहां पर माइनस का साइन आ गया है बीच में, ठीक है ना। अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो हम क्या करते, बस डायरेक्टली गुणा कर देते, 15 चौके 60, 17 दूनी 34, 10 दहाई 90 और 13 छंग 78, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना हम आंसर ले लेते, लेकिन यहां पर माइनस का साइन है तो ये बन गया आपका टाइप टू, ठीक है ना, ये बन गया आपका टाइप टू। तो अब हम बात करते हैं इसमें हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, इसकी हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की। तो दोस्तों इसमें भी आपकी शॉर्ट ट्रिक में डिपेंड रहेगा गुणा पर, ठीक है, लेकिन यहां पर केस आपका हो जाएगा उल्टा। अगर आपको मिलेगा बड़ा नंबर तो वो दर्शाएगा छोटी संख्या को, अगर आपको मिलेगा छोटा नंबर तो वो दर्शाएगा बड़ी संख्या को। देखिए यहां पर 15 चौके कितने होते हैं भाई, 60, ठीक है ना, 17 दुनी 34, उसके बाद 10 दाई 90, उसके बाद 13 छंग 78, ठीक है ना। तो यहां पर आपको सबसे बड़ा नंबर क्या मिला, 90। तो दोस्तों ये जो 90 होगा ये सबसे छोटी संख्या को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सबसे छोटी है। उसके बाद सबसे छोटा नंबर आप मुझे बताएंगे तो आपका जवाब होगा 34, तो ये सबसे बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करने के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर केस हो जाएगा उल्टा। अब ये उल्टा क्यों हुआ ये चीज़ हम कंसेप्ट से समझते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट वाइज चलते हैं। कंसेप्ट में हमको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर करने से यानी पावर में गुणा या भाग करने से इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से कि आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 4 19 और माइनस का 2√60 आपको मिलेगा। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा 19 माइनस 2√34, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा 19 माइनस 2√90 और यहाँ पर आपको मिलेगा 19 माइनस 2√78। तो यहाँ पर बड़े ध्यान के साथ देखो सभी के अंदर ये चीज़ कॉमन है, 19 माइनस 2, 19 माइनस 2, 19 माइनस 2 और यहाँ पर भी 19 माइनस 2। अब ध्यान से बताओ अगर आप 19 में से कोई बड़ी संख्या घटाओगे तो क्या होगा, अगर आप बड़ी संख्या घटाओगे तो वो नंबर छोटा पड़ जाएगा, और अगर आप छोटी संख्या घटाओगे तो वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो 34 है ये सबसे छोटा नंबर है, ये जो 34 है ये सबसे छोटा नंबर है या नहीं है। तो 19 में से जब आप छोटा संख्या 19 माइनस छोटी संख्या करोगे तो क्या होगा, आपको एक बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है, किस चीज़ से, और चीज़ों के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, 19 में से एक बड़ी संख्या घटा रहे हो, जैसे 19 में से आपने एक बड़ी संख्या घटाई तो ऑब्वियस सी बात है जब बड़ी संख्या घटेगी तो जो संख्या है वो छोटी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आप छोटा नंबर घटाओगे तो वहाँ पर आपको बड़ी संख्या मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया ये चीज़ कैसे हुआ, आपको यहाँ पर भी बस गुणा करनी है और जो गुणा सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़े नंबर को दर्शाएगी, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका टाइप टू हो गया, आप टाइप थ्री की बात करने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको चार नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 16, लेकिन 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है, यानी यहाँ पर जो आपका सम है नंबर्स का वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो चाहे सम बराबर हो या ना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर करना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक मैं भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 16 प्लस 2√967, ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 12 प्लस 2 रूट 7 पंजे 35। उसके बाद यहाँ पर आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 और 9 कितने हो जाएंगे 18, सॉरी 11 और 9 20, 20 प्लस 2 रूट 99, ठीक है ना। और यहाँ पर रूट 7 5, ये दो बार रिपीट हो गया, इसमें कुछ यहाँ पर आपका ये रूट 3 है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर है ये आपका रूट 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 10 प्लस 2 रूट 7 या 21। तो ये आपने सभी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। भाई आंसर क्यों दे पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको दिख गया कि कौन सा नंबर बड़ा है। भाई यहाँ पर 20 सबसे बड़ा नंबर है और 20 में जो आप जोड़ रहे हो वो भी सबसे बड़ा है। यानी सिंपल सी बात यह है, जब आप स्क्वायर करोगे तो 11 और 9 को जोड़ोगे तो आपको 20 मिलेगा, और 11 और 9 की गुणा होगी तो 99 आएगा। यानी जो नंबर का सम सबसे बड़ा होगा, 11 और 9 इन दोनों का सम क्या है 20, और ये सबसे बड़ा है, तो सिंपल सी बात है वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। भाई यहाँ पर आपने जब 9 और 7 को जोड़ा तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करने के बाद 16 मिला, तो 16 और प्लस 2 रूट 63। तो यहाँ पर 16 क्या है, 20 से तो छोटा ही है, और जो चीज़ इसमें जुड़ रही है 2 रूट 63 वो भी उससे छोटी है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्टली आपको इन नंबर्स का सम देखना है। तो 11 और 9 जब आपने जोड़ा तो आपको मिला 20, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर करने पर 20 में जो चीज़ जुड़ रही होगी वो भी काफ़ी बड़ी होगी, और 20 ऑलरेडी बड़ा है, तो जो सम सबसे बड़ा है वही आपका सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद आपका ये वाला नंबर आ गया, उसके बाद आपने 7 5 12, तो ये वाला नंबर तीसरे नंबर पर आ गया, और चौथे नंबर पर आ गया 7 और 3 10, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन लगा दूंगा बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन वही है, जो आपकी टर्म है वो मैंने यहीं पर वैसे ही लिखी रहने दी है, सिर्फ बीच में माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों जब बीच में आ जाए माइनस का साइन, तब आप स्क्वायर करके भी डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करके देखो तो तब भी आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। उसमें दिक्कत ये आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपको यहाँ पिछली बार तो चीज़ें जुड़ रही थी, तो हमें क्या था, हमें फ़ायदा हो रहा था कि हाँ ये चीज़ जुड़ रही है, लेकिन इस बार आपको घटाना पड़ेगा। और घटाएंगे क्या, रूट वाली वैल्यू घटाएंगे, और रूट वाली वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि उस रूट का एक्चुअल में मान कितना है, आपको घटाना कितना है, तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। अगर आप अभी भी समझ नहीं आ रहा तो करके देख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या चीज़ देखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इन दोनों का अंतर देखो, यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखो कितना है, सभी का अंतर दो है, दो है, दो है, सभी का अंतर कितना भी दो दो, फिर से मिस्टेक हो रही है यार, ये सात सात की जगह इसे पाँच कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर पाँच कर दो, पाँच में से तीन घटाओगे तो आ जाएगा दो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि सभी का जो अंतर है वो दो है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको सोल्व करने के लिए कुछ ऐसा करो कि आपने ये लिखा, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल नहीं रहा कि ये नंबर बाकी नंबर्स के हिसाब से छोटा है या बड़ा है, तो आप इसका यार रैशनलाइजेशन कर लो, उस चीज़ से बड़ा फायदा होगा। देखिए कैसे फायदा होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट नो माइनस, यहाँ पर प्लस से गुणा हो जाएगी, और नीचे भी अंडर रूट नो प्लस रूट सात से गुणा हो जाएगी। ये आपने रैशनलाइजेशन कर लिया। अब इसे करने से आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखो, ऊपर जब आप करोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दो आपको मिल जाएगा ऊपर, और नीचे आपको मिल जाएगा अंडर रूट नो प्लस अंडर रूट सात, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरे वाले नंबर का जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो अंतर सभी का दो दो था ना, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ सबका अंतर दो है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दो बटे अंडर रूट सात प्लस अंडर रूट पाँच। यानी आप ध्यान से देखो हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारे पास प्लस वाला साइन यहाँ पर आ जा रहा है रैशनलाइजेशन करने की वजह से, और प्लस वाले साइन का फायदा ये होता है कि उसको हम डायरेक्टली देख के बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, यानी हमारे माइनस नहीं मिलेगा, माइनस में दिक्कत हो जाती है। तो इसको रैशनलाइजेशन करने के बाद आपको मिलेगा ये वाली वैल्यू, उसके बाद इसको भी जब आप रैशनलाइज कर लोगे तो आपको मिलेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। यानी पाँच प्लस तीन, सब जगह प्लस प्लस का साइन आपको मिल गया, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ कि अब आप मुझे बताओ कि कौन सा नंबर सबसे छोटा या कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो बड़े ध्यान के साथ देखो, अब यहाँ पर प्लस साइन हो गया, अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ भाई कैसे। नौ सात को जोड़ोगे 16 आएगा, सात पाँच को जोड़ोगे 12 आएगा,
ठीक है, 11 और 9 को जोड़ोगे 20 आएगा और 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आएगा। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन इससे पहली वाली जो टाइप है बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पर जोड़ आ जाए सबसे बड़ा वही नंबर हो जाएगा सबसे बड़ा। तो 20 सबसे बड़ा नंबर है, 16 उससे छोटा है, 12 उससे छोटा है, 8 सबसे छोटा है। तो ध्यान से देखो, अगर किसी संख्या के बटे में सबसे बड़ी संख्या है, यानी 2 के बटे में बहुत बड़ी संख्या है 1, तो एक्चुअल में ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर हो जाएगा छोटा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को बहुत बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हो तो वो नंबर ऑब्वियस सी बात है छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी छोटी संख्या से भाग लगा रहे हो किसी नंबर को तो वो नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, कौन सा नंबर सबसे छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सी है। आपको क्या करना है, 9 और 7 को जोड़ना है 16, 7 और 5 को जोड़ना है 12, 11 और 9 को जोड़ना है 20, और उसके बाद 5 3 8, ठीक है। तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आंसर में आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर जो जिनका सम सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर है, और जिसका सम सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा नंबर है। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक, और कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी तरह के यहाँ पर सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन चारों टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने में 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा लगेगा किसी भी क्वेश्चन को करने में, क्योंकि कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको ट्रिक भी यहाँ पर सभी क्वेश्चंस में बताई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है यार। आप लोग, अगर मैं मानता हूँ कि अगर आपने 200 लोगों ने वीडियो देखी तो 200 में पता है कितने लाइक आते हैं, 15 लाइक आते हैं मैक्सिमम। तो क्या 15 लोगों को ही पसंद आ रही है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप वीडियो ना देखो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप चाणक्य हो, आपको पहले से पता हो ये सारे रूल, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करो और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है ना। अगर लोग कम देख रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पसंद कर रहे हैं तो खुशी की बात होती है। आगे का कंटेंट मैं तभी तैयार कर पाता हूँ जब मुझे खुशी होती है कि जो मैंने पीछे कंटेंट दिया है उससे सब लोग सेटिस्फाई हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट हुआ करे तब आप पूछ लिया करो, ठीक है ना। तो कमेंट करके यार एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो बताया करो, कोई डाउट हो तो पूछा करो, और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। चलिए, जय हिंद।